जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों आज हम गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और अब तक गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा, उसी के साथ हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना है कि जो स्मॉल वाला जी है वो क्या होगा, और उसके बाद इस चैप्टर में यानी कि गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण के बाद हमने कुछ ग्रह लिए थे और उनका जो व्यास होगा वो कितना होगा, उन ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा, जैसे पृथ्वी के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए, वो सारी चर्चा हमने की है। और हमने जाना भी है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 5.97 × 10^24 किलोग्राम, यानी लगभग 6 × 10^24 किलोग्राम के आसपास होता है। और दूसरा अगर हम कहें कि बृहस्पति ग्रह जो है तो उसका हमने जाना है उसके बारे में भी कि 1898 × 10^24 किलोग्राम, ये उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा बृहस्पति ग्रह के लिए। और फिर हमने व्यास को लेकर भी चर्चा की है, 12756 पृथ्वी का व्यास होगा। त्रिज्या की अगर हम बात करें तो 12800 का सीधा आधा करके हम कह सकते हैं कि 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या थी। बृहस्पति के लिए भी हमने कहा है कि 1,43,000 किलोमीटर उसका व्यास होगा, और यदि आपको त्रिज्या चाहिए तो उसका आधा कर लोगे। साथ ही ये बात भी हुई थी कि यदि चंद्रमा के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी 9.8, उसका छठा भाग हमें कर देना है, यानी 6 से उसको डिवाइड कर देना है, तो निकलेगा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण यानी 1.61 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो तमाम बातें हुई है दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि कोई पिंड है, कोई वस्तु है और उसे ऊपर की ओर फेंका गया तो उसके लिए गति की समीकरण क्या होगी, या किसी भी पिंड को स्वतंत्र रूप से नीचे छोड़ दिया गया, जैसे ऊपर से उसे नीचे छोड़ दिया गया तो उसके लिए गति की समीकरण क्या होगी। तो सबसे पहले तो याद कीजिए आप गति की समीकरणों को। हमने गति की समीकरण क्या पढ़ी है, गति की समीकरण दोस्तों, गति के समीकरणों में जो अपना प्रथम समीकरण था, वो प्रथम समीकरण हमने देखा है क्या था, v = u + at, और दूसरा जो समीकरण हमने देखा है वो क्या था, s = ut + half at² ये हमने देखा है। और इसी के साथ जो तीसरी और अंतिम जो गति की समीकरण है वो भी हमने देखी है कि v² = u² + 2as, या आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि 2as = v² - u², ये भी गति की समीकरण है। दोस्तों इन समीकरणों में मैन रूप से हमने क्या देखा है कि यहां पर जो u है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, यहां v जो है वो वस्तु का कौन सा वेग है, अंतिम वेग। u और v के बारे में हमने चर्चा की है, या स्मॉल वाला a जो आप इस समीकरणों में देख रहे हैं ये रहा, ये जैसे कि t² में a, तो ये स्मॉल a जो है ये बताता है त्वरण, और t दोस्तों यहां पे समय के लिए है, और s यहां पे क्या है, विस्तार। तो ये गति की तीनों समीकरण है और इनमें जो जो चीजें सम्मिलित है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि u जो दिया गया है यहाँ पे वो वस्तु के प्रारंभिक वेग को बताता है, v यहाँ पे वस्तु का अंतिम वेग है, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है सॉरी, तो v - u ये वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन की जो दर है उसी को तो हम त्वरण कहते हैं। याद कीजिए वो पिछला वाला फॉर्मूला, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये त्वरण है इस बोल वाला के। साथ ही t यहाँ पे समय की बात बताता है, और s यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। ये थी अपनी गति की समीकरण। अब देखिएगा मैं यहाँ पे पहली हेडिंग डाल रहा हूं कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो, यदि किसी वस्तु को
ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति के समीकरण, यदि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके लिए गति की समीकरण क्या होगी। दोस्तों ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये मान लीजिए कोई पिंड है और उस पिंड को यदि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। भाई नीचे से इस वस्तु को कौन खींच रही है, पृथ्वी खींच रही है, बल लग रहा है पृथ्वी के और इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिससे ये वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है। हमें ऊपर फेंकना है तो उस नीचे की ओर खींच रहे बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। जैसे मेरा मार्कर ले लीजिए, यदि मैं इसे ऊपर फेंकता हूं तो ये तो नीचे गिरने के लिए स्वतंत्र है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, इसे पृथ्वी खींच रही है तो ये नीचे गिरने के लिए तत्पर है। लेकिन ऊपर की ओर फेंकना है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और तब हमें इस मार्कर का या वस्तु का भार महसूस होगा। तो इसे ऊपर की ओर फेंकना है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना है। यहाँ त्वरण जो होगा दोस्तों, यदि वस्तु सीधी पृथ्वी पे चल रही होती है तो वो नॉर्मल वाला त्वरण होता है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि ऊपर या नीचे किसी वस्तु को फेंका जा रहा है तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण किसका काम आएगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो कि स्मॉल वाले जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां आप देखें कि त्वरण ए नहीं होकर के समीकरणों में क्या होगा, स्मॉल वाला जी विरुद्ध है। इसलिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, देखिएगा प्रथम जो गति का समीकरण है v इज इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा जी और टी, ये कौन से समीकरण, प्रथम समीकरण। मैंने यहां पर क्या किया कि a की जगह यहां मैंने क्या कर दिया, z कर दिया और माइनस हो जाएगा। तो ये स्थितियां हैं। दूसरी जो समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी नहीं जी टी का स्क्वायर, यू टी हाफ जी टी का स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए गति का दूसरा समीकरण ये, गति का जो तृतीय समीकरण है यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस नहीं होगा, यानी एस यहां पे किसे बताता है, विस्थापन को बताता है, लेकिन यहां विस्थापन नहीं है। यदि वस्तु जमीन पर सरका दी जाती है किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी पर तो यहां तक इसका विस्थापन कहलाता है और इस विस्थापन को हम एस के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन यदि ऊपर नीचे विस्थापन यदि यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाया गया तो उस समय ये जो दूरी है ये विस्थापन न कहलाते हुए ये ऊंचाई कहलाएगी यानी एच होगा। तो यहां पर टू जी एस न होकर के क्या कर देंगे एच, बस ये फर्क है गति के समीकरणों में। यदि पिंड को या वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये गति की समीकरण काम में लोगे। अब देखिएगा ये काम में कहां आने वाली है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब आप आंकिक प्रश्नों को करते हो और उसमें कहा गया है कि पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वहां आपको काम में लेना होता है ये वाली समीकरण है। और नॉर्मल यदि सवाल वहां से पूछा जाए चाल वेग को लेकर या ये सारी जो चीजें हैं इनको लेकर तो यहां पर आप क्या करोगे, ये गति की समीकरण जो साधारण सी है वो काम में लोगे। ये चीजें याद करनी, कोई सा भी एक नहीं दिया गया बाकी ये सारे दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गति के समीकरण लगा करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे साथ दो नई चीजें और जुड़ गई है, क्या, एक तो जुड़ गया है जी जो है कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और एक चीज हमारे पास और आई है और वो आई है h यानी कि ऊंचाई। अब देखिएगा इसका उल्टा कि यदि वस्तु को ऊपर की ओर ना फेंक करके यदि वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता, फेंका नहीं जाता है स्वतंत्र रूप से, यहां से इसको क्या कर दिया ऐसे एकदम से ऐसे फ्री कर दिया तो वो नीचे की ओर गिरने लगेगा स्वतंत्र जब उसको कर दिया जाए। तो मुक्त रूप से अगर वस्तु को गिराया जाता है तो उस समय कौन सी गति की समीकरण काम में लोगे, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं दूसरी स्थिति, यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से
गिराया जाता है तो गति के समीकरण है, तो गति के समीकरण है। अब इसके लिए क्या करोगे, देखिएगा गति के प्रथम समीकरण ये है और द्वितीय और तृतीय इन्हीं के आधार पर हम करेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों कि जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। लिख रहा हूं मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। प्रारंभिक वेग कितना होता है, शून्य। कहने का मतलब u इज इक्वल टू शून्य, ये बात रहेगी। तो अब देखिएगा कि गति का प्रथम समीकरण इसके लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी मतलब जीरो प्लस एटी, तो u इज इक्वल टू क्या, एटी, एक की जगह जी, जी टी हो जाएगा। क्यों हुआ जी, क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के ही अधीन है, तो इसलिए त्वरण गुरुत्व त्वरण काम आएगा, तो v इज इक्वल टू जी टी। चूंकि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग यानी u कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गई प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण की यदि बात करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसी स्थितियों में u जीरो है तो u से जीरो से t को आप गुणा किया तो जीरो हो गया। कहने का मतलब जो s प्राप्त हुआ वो एक बट्टे दो और जी टी का स्क्वायर, ये गति की कौन सी समीकरण होगी, द्वितीय समीकरण होगी। इसे आप काम में लेके चलेंगे। और अंतिम जो समीकरण है वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, शून्य हो गया तो टू जी एच, एस की जगह एच लिया है और मैंने त्वरण गुरुत्वीय त्वरण लिया है, तो ये समीकरण होगी गति के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी काम में लोगे, कैसे कि यदि आपको ये दिया गया है प्रश्न में तो आप ये वाले काम में लोगे कि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे से वेग देना पड़ता है उसको, मतलब प्रारंभ में वेग देना पड़ता है और वो वेग लास्ट तक रहता है। जैसे ही ऊपर वेग शून्य होता है तो तुरंत ही वस्तु नीचे गिरना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब कि जब भी आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो उस समय कुछ न कुछ वेग देना पड़ता है, इसलिए प्रारंभिक वेग उसका शून्य नहीं होगा और इसलिए यहाँ पे यू लिखा जा रहा है। लेकिन ऊपर से छोड़ रहे हो मतलब उसे कुछ भी वेग देना नहीं पड़ रहा है, वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गति करते हुए नीचे आ जाएगी, वो गिर जाएगी, उसे वेग देने की जरूरत नहीं है, यानी प्रारंभिक वेग यानी यू का मान शून्य वहां पर होगा और इसलिए ये स्थितियां वहां पर बन जाएगी। तो ये गति के जो समीकरण है वो आपको काम में लेनी है। इन पे आधारित एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में है वो हम करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, उस प्रश्न में आपको कहा गया है कि यदि कोई कौवा बैठा है नीम की डाल पर और उसके चोंच में जो पूरी है वो स्वतंत्र हो जाती है, उसकी चोंच खुल जाती है और इसके पीछे एक कहानी भी है। पूरी कौवे की चोंच में होती है, नीचे से लोमड़ी आती है और वो उसके लिए ललचाती भी है, तो उसको आइडिया आता है कि किस प्रकार से आखिरकार इससे पूरी छुड़वा ली जाए, तो आइडिया आ जाता है कि इसकी प्रशंसा की जाए। तो वो प्रशंसा करती है कौवे की कि भैया आप जो डाल पे बैठे हो तो आपके क्या है कि बुजुर्ग बहुत अच्छा गाते थे और मेरे को उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छा गाते होंगे, तो आप गाना गा करके सुनाइए। अब गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लोमड़ी को, लेकिन फिर भी वो कौवे से गाना गाने को कह रही है क्योंकि उसकी जो लालसा है वो पूरी को लेकर है। तो जैसे ही कोहा अपने मद में आ जाता है वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई मेरी तो आज प्रशंसा हुई, तो वो गाना शुरू करता है बिना पूरी पे ध्यान दिए, और जैसे ही वो गाने के लिए चौंच खोलता है कि पूरी वहां से फ्री हो जाती है। तो बस उसी को लेकर अपना एग्जाम्पल है, और उस उदाहरण में कहा गया है कि कोहे की चौंच से पूरी फ्री होते ही मात्र दो सेकेंड में वो जमीन पर पहुंच जाती है, फ्री होते ही मात्र दो सेकेंड में जमीन पर पहुंच जाती है। तो बताइए कि जब पूरी जमीन से टकरा रही होगी तो उस समय उसका वेग क्या होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूरी की औसत चाल औसत वेग क्या होगा, जब तक वो डाल से जमीन तक आएगी तब तक औसत जो उसका वेग है वो कितना रहेगा, v का मान आपको वहां पे निकालना, औसत वेग का मान है ना, तो वो चीज आपको करनी है।
और उसी के साथ एक तीसरा प्रश्न आपसे और पूछा गया है ना पूरी के लिए। तो देखिएगा आपसे क्या कहा गया है, उस उदाहरण में एग्जाम्पल है और मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें समय दिया गया है, समय पे इसके लिए कहा गया है कि वो पूरी जो है वो मात्र 2 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है, 2 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। उसी प्रश्न में कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण z का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लेके आपको चलना है। 10 मीटर प्रति सेकंड लेके चलोगे और 2 सेकंड में वो पूरी नीचे पहुंच जाती है। तो बताइए क्या, बताइए पहला प्रश्न पूछा गया है कि धरती पर टकराते समय, धरती से टकराते समय पूरी का वेग क्या होगा, धरती पर टकराते समय पूरी का वेग यानी अंतिम वेग क्या होगा। साथ ही दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब भी भाई धरती से टकराते समय पूरी का वेग, मतलब उसका कौन सा वेग पूछा, अंतिम वेग है ना। और ये पूछा गया है कि पूरी का कौन सा वेग, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। साथ ही तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि कोए की चोंच जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, कोए की चोंच जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये बात आपसे पूछी है। देखिएगा एक पूछा है वेग यानी यहां पर पूछा है अंतिम वेग v, टकराते समय पूरी जमीन से टकराते समय वेग मतलब अंतिम वेग, पूरी का औसत वेग पूछा, औसत वेग हम निकाल सकते हैं, औसत किसी भी वस्तु का निकालना हो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुएं की चोंच जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई h का मान यहां पर पूछा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है कि आखिरकार जो जो चीजें दे रखी है उनसे हमें क्या निकालना है और जो निकालना है वो कौन से समीकरण से निकाला जा सकता है। ये बात आपके दिमाग में जब आ जाएगी तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। देखिएगा पहला प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं एक बार, धरती से टकराते समय पूरी का वेग क्या होगा। दोस्तों वेग की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए पूरी कोए की चोंच से छूट जाती है, वो स्वतंत्र हो जाती है और स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग जो होता है वो कितना होता है, 0। और इसलिए गति की जो समीकरण मैं ले रहा हूं v इज इक्वल टू जी टी, क्योंकि u वहां पे क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, तो g और क्या आ जाएगा t। कहने का मतलब है कि वेग, अंतिम वेग v जी टी के बराबर होगा। v निकालने के लिए g कह रहा है कि 10 लेना है, t समय 2 है, तो v इज इक्वल टू कितना, 20। क्या जाएगा वेग, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गिरते हुए नीचे आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड का वो वेग पकड़ लेगी और तुरंत ही ये उसका अंतिम वेग, तुरंत ही वो गिर जाएगी जमीन पे। पूरी का औसत वेग क्या होगा, तो दूसरा जो प्रश्न आपसे कहा गया है कि पूरी का कौन सा वेग, औसत वेग, औसत वेग का मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो, एक दो दो वेग है ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। U प्रारंभिक वेग 0 है और V हमें 20 प्राप्त हुआ है बटे 2, कहने का मतलब 10, औसत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, ये दूसरा आंसर है जो कि औसत वेग के रूप में है। अब कहा है कि कुएं की चोंच जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, हमें पता है प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको कि आखिरकार जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, h का मान पूछा है, तो ऐसे समीकरण लेनी है जिसमें u 0 और h जो है वो आ रहा हो। तो देखिएगा कि यदि मैं आपसे कहूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2g और क्या आ जाता है h, तो ये बात इसके लिए बिल्कुल ही क्या है, सही है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन इससे ये आना नहीं है क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर का मान आ जाएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला और सजेस्ट करता हूं और वो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू, या फिर जो s विस्थापन है उसके बराबर में, ठीक है ना, और वो कितना है, हाफ जी टी का स्क्वायर, हाफ जी टी का स्क्वायर, क्योंकि
ऊंचाई वहां पे चाहिए थी, है ना, अंतिम वेग, और उससे भी आप निकाल तो सकते ही हो, लेकिन ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एस नहीं, और ऊपर से गिर रही है, मतलब क्या है, एच, एस की जगह क्या लोगे, एच, एस वहां पे ये था। लीजिए ये फॉर्मूला काम में लेना है, तो एच इज इक्वल टू हाफ है, जी का मतलब 10 है, इंटू टी का मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, अच्छा 4 10 40 बटे 2 कहने का मतलब 20, ऊंचाई जो है वो 20 क्या होगी, मीटर होगी। तो दोस्तों 40 बटे 2 ऊंचाई 20 यहाँ पे आ गई है। अब ध्यान दे जरा सा कि यहाँ पर एच इज इक्वल टू 1 बटे 2 जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एच निकाला जा सकता है, एच निकाला जा सकता है। अच्छा यहाँ पर जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ये 2as नहीं और 2gh हो जाएगा, तो 2gh है। यहाँ पर अगर देखें तो v हमारे पास है 2 और g, g दोनों है, h हमें निकालना है, तो आप यहाँ पे पक्षांतर करके चीजों को निकाल सकते हैं। पक्षांतर करेंगे h का, 2 और g का आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और वैसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिएगा आगे क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया ये इस रूप में। दोस्तों एक चीज होती है द्रव्यमान और दूसरी एक राशि है और वो है भार, द्रव्यमान और भार। और अब तक हम द्रव्यमान और भार दोनों को एक ही मानते चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, द्रव्यमान और भार में जरा सा फर्क है। द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी वस्तु, द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है वैसे हम कह सकते हैं, या अगर दूसरे रूप में कहें तो यह है कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं सिंपल शब्दों में। और दूसरा बार, बार वो चीज होगी जिसमें पदार्थ की मात्रा तो है ही है, लेकिन पृथ्वी उसको, जिस वस्तु को नीचे खींच रही है ना, नीचे की ओर, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से खींच रही है, तो वो भी उसके साथ जब एड कर देंगे तो कुल मिलाकर के वस्तु का वो बार कहलाएगा। तो एक राशि है जिसके बारे में आप पढ़ते हो और वो है द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, द्रव्य का मतलब पृथ्वी पर उपस्थित वो हरेक वस्तु, अंतरिक्ष में उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित वो हरेक वस्तु जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, और वो क्या करती है, स्थान घेरती है, वो प्रत्येक वस्तु द्रव्य है। तो यहाँ नॉर्मल सी स्थिति है द्रव्यमान के लिए कि पदार्थ की मात्रा, द्रव्य का मतलब पदार्थ और मान, यानी द्रव्य का मान कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में और कहें तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसमें जड़त्व का माप होता है, जड़त्व की माप वो कहलाता है द्रव्यमान। दोनों ही चीजें हैं, आप याद रखें कि पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, द्रव्य का मान, यानी जो भी उसके अंदर द्रव्य समाहित है। लेकिन इसी के साथ दूसरी एक राशि है और वो राशि है भार, भार जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान जिसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, बहुत सारी स्थितियां हैं। खैर बार को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। बार क्या है, बार वस्तु पर लगने वाला एक प्रकार का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को नीचे की ओर खींचा जाता है जिसके कारण हमें उसका वजन महसूस होता है। दोस्तों वो है यहाँ पर बार। तो हम कह सकते हैं कि बार वह बल है, बार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाला वाला वह बल है जिससे पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, पृथ्वी उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। बस ये छोटी सी बात, बार किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल है जिससे पृथ्वी उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। और वैसे अगर हम कहें तो W भार जो होता है एम जी के तुल्य होता है, और इसलिए मैंने इसे बल कहा है क्योंकि एम जी जो है वो बल के लिए भी एक फॉर्मूला है कि बल इज इक्वल टू एम जी, और ये बल ही जो बल लगाती है पृथ्वी, वो ही जो द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के क्या होगा, तुल्य होगा। और ये एक प्रकार का संबंध भी है द्रव्यमान और भार में, तो ये दोनों के लिए स्थितियां हैं।
इसके लिए भी, बार के लिए भी और इसके लिए भी। अच्छा आप नॉर्मल सी बात है, हम कई बार द्रव्यमान को बार बार को द्रव्यमान कह के चलते हैं, वो तो अब तक चलता ही आ रहा था, लेकिन आज ये पता चला है आपको कि बार और द्रव्यमान में आखिरकार फर्क क्या है। दोस्तों एक और चीज बार से जुड़ी हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है भारहीनता। वो नई जो चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है भारहीनता। भारहीनता ये क्या होता है? देखिएगा, भारहीनता की स्थिति को समझने के लिए, यदि लिफ्ट में हम ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट के माध्यम से, सीढ़ियां आजकल कहां तो वो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ना, जैसे कि बड़े मॉल में या फिर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और भी कई जगह आजकल तो आम बात हो ही गई है। हालांकि तो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जब चढ़ते हैं, यदि लिफ्ट का बेल्ट टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे आकर गिरने लगती है, और उस समय हमें अपना भार महसूस नहीं होता, हम अपना भार छिन गया हो जैसे ऐसा महसूस करते हैं ना? और कभी आपने देखा हो जैसे कि अक्सर ऊंचे झूलों पे हम बैठते हैं, बड़े झूलों पे हम बैठते हैं, तो वहां वो झूला जब नीचे की ओर आने लगता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। भाई झूला जब नीचे गिर रहा होता है मुक्त रूप से तो कलेजा मुंह को आ जाता है, और उस समय हम अपना भार महसूस नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगता है कि भार हमारा शून्य हो गया है, हमारा भार जीरो हो गया है, भार महसूस होता ही नहीं है। तो वो स्थिति है भारहीनता की। ये कहाँ होती है और क्यों होती है, आप इस बात को समझे। अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री जो है, जैसे एरोप्लेन वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अंतरिक्ष यान में बैठे और पृथ्वी की वो लिमिट जहां तक वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकती है उससे यदि वो बाहर चले गए तो वहां क्या होगा कि उनको भारहीनता महसूस होगी, अपना भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों भार महसूस गुरुत्व त्वरण के कारण होता है, और पृथ्वी के लिए गुरुत्व त्वरण का मान है 9.8। यदि हम चंद्रमा पे चले जाए तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे भार का छवा भाग हमें महसूस होगा, ज्यादा भार हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण है वो 1.61 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए कि भारहीनता क्या है। अगर किसी ग्रह के लिए मैं बात करूं तो आपको पता है कि ग्रहों के लिए तो गुरुत्व त्वरण होता है जी का मान कुछ न कुछ होता है, जैसे बृहस्पति के लिए 23.1 है, जैसे कि पृथ्वी के लिए 9.8 है, ठीक उसी तरीके से है ना, तो वो चीजें होती है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष यान की बात करें, रॉकेट की बात करें, तो उसमें बैठे जो भी व्यक्ति है वो भारहीनता महसूस करेंगे। वो भारहीनता इसलिए महसूस करेंगे कि उस यान का अपना गुरुत्व त्वरण नहीं है और पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की सीमा से वो बाहर चला गया, तो इसलिए भारहीनता वहां पर महसूस होगी, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों कुछ रोचक कहानियां भी है भारहीनता को लेकर। कैसे कि यदि आप अंतरिक्ष यान में बैठे हो और वो सीमा से बाहर हो गया है, तो उस समय हम अगर एक ग्लास में पानी लेवे और उसको यदि उल्टा करें तो वो पानी उसमें से गिरेगा नहीं, और यदि गिर भी जाएगा तो वो पानी जमीन पर नहीं पहुंचेगा, वो पानी अंतरिक्ष यान में नीचे सतह तक नहीं गिरेगा, बल्कि वो बूंदे हवा में ऐसे लटक जाएगी, तैरती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है और इसलिए वो जो बूंदे हैं वो वहां पर ठहर गई है। अच्छा हम लोग जो भोजन करते हैं, हालांकि हमारी ये जो कृषिका है, जो ग्रासनाल है, भोजन उसमें जाते ही मांसपेशियां भोजन को धकेलना शुरू कर देती है जिसके माध्यम से वो नीचे चला जाता है आमाशय। लेकिन अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और वहां हमने भोजन किया, मांसपेशियां तो काम करेगी लेकिन इस भोजन को नीचे ले जाने में मांसपेशियों का रोल है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का भी रोल है। अगर वहां पे गए तो भोजन नीचे टलेगा नहीं, वो यहीं पे रहेगा, आपने भोजन का निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो वो नीचे गिरेगा ही, और इसलिए जो भी अंतरिक्ष यान में यात्री बैठते हैं, वैज्ञानिक लोग जो जाते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है कि पेस्ट युक्त भोजन, जैसे कोलगेट में पेस्ट होता है वैसे भोजन का पेस्ट बनाया जाता है, और नलिका के माध्यम से पेस्ट उनके आमाशय तक पहुंचाया जाता है। वहां पे अंतरिक्ष में भोजन नहीं कर सकते हम, है ना, अंतरिक्ष यान में बैठे बैठे भोजन नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ता है कि पेस्ट बना करके एक नलिका होती है पतली सी, उस नलिका के माध्यम से डायरेक्ट पेट में पहुंचाना होता है, तब उनका भोजन संपन्न होता है। तो ये चीजें हैं अंतरिक्ष यान के लिए, क्योंकि
ग्रहों के लिए तो गुरुत्व त्वरण है, लेकिन अंतरिक्ष यान का अपना कोई गुरुत्व त्वरण नहीं है, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होगी। और भी कई सारी रोचक कहानियां हैं, वहां पे यदि क्रिकेट खेलना चाहे तो खेल नहीं सकते, वो भी नहीं होगा। अच्छा, गुरुत्व त्वरण का मान कम है और वहां पर हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो एक बॉल को एक बार मारा काफी देर तक नीचे गिरेगी नहीं, वो हवा में जुड़ेगी। हालांकि नीचे तो गिरेगी लेकिन वो गुरुत्व त्वरण कम होने के कारण बहुत देर से गिरेगी, ऐसा भी होता है ना। तो ये बारहीनता को लेकर स्थितियां हैं। टॉपिक हमारा था बारहीनता, हम लंबा चले गए। बारहीनता का मतलब यदि आप झूले में बैठे हैं, यदि आप अंतरिक्ष यान में बैठे हैं, यदि आप लिफ्ट में चढ़ रहे हैं और उस समय उसका बेल्ट भगवान न करे टूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में आदमियों को बारहीनता वहां पे महसूस होगी। अपने बार में कमी महसूस होना, वही है बारहीनता। तो ये अलग से राशि है। चंद्रमा के लिए गुरुत्व त्वरण की बात मैंने आपसे कर ली है, वो पृथ्वी का 1/6 भाग होगा। ये टॉपिक बुक में अलग से है लेकिन यहाँ पर हम अलग से नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, ये था अपना चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। मेन रूप से इसमें सार्वत्रिक नियम का ख्याल रखें। और दूसरी बात है कि गुरुत्व त्वरण जी के लिए फॉर्मूला है gm/r² या d² वो आप अच्छे से याद कर लें। उन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे भी और लेके चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ में कुछ चीजें और। लेकिन ये चैप्टर जो है दोस्तों वो यहीं पे एंड हो गया है। इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में और उसमें जानेंगे आंकिक प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। सपोर्ट कीजिए हमारा। धन्यवाद।